हेलो एवरीबॉडी, आज हम इस वीडियो में क्लास सेवेंथ की मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे। ओके, इस एक्सरसाइज में मोड और मीडियन निकालने के लिए दिया गया है। तो मोड होता क्या है? मोड, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर मोस्ट ऑफन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग, कोई भी डाटा जो तुम्हें दिया गया होता है उसमें से जो नंबर बार बार रिपीट होता है, यानी बहुत ज़्यादा बार अकर करता है, अकर ना रिपीट होता है, ठीक है, तो वो नंबर मोड कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके अभी हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे, उसमें तुम्हें प्रैक्टिस करते करते समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कोई भी डाटा को अगर हम अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में और फिर उसके बिल्कुल बीच वाला नंबर जो है वो हम चेक करें तो वो मीडियन कहलाता है। ठीक है, यानी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज मीडियन। ठीक है, अब मोड जो होता है वो एक डाटा में, जरूरी नहीं है एक ही नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक नंबर तीन बार आया, दूसरा नंबर भी तीन बार आया, तो दो दो मोड हो गए ना, तो इसी तरह से मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ साथ तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी जिससे कि समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि द स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 चिल्ड्रन इज़ फॉलोइंग। यानी 15 बच्चों के नंबर्स दे रखे हैं, 25 में से 25 में से एक बच्चे के 99, एक के 25 में से 25 आया, इस तरह से नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसका मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। तो मोड निकालने के लिए क्या करने, सबसे पहला काम, मोड और मीडियन कभी भी निकालना होता है तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। फर्स्ट स्टेप क्या है? अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढो इसमें, इस डाटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 9 है ना, और ध्यान से देखो 5 है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर पहले लिख दो, उसके बाद उससे बड़ा ढूंढते ढूंढते लिख डालो। तो सबसे पहले है 5, सबसे छोटा नंबर है 5, नेक्स्ट नंबर है 9, फिर है 10, 12, 15, 16, 19, 20। अब 20 देखो, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी, तो 20 चार बार है, तो इसीलिए चार बार ही लिखेंगे, जो नंबर जितनी बार आया है उतनी बार ही लिखना है। ठीक है, 23, 24, 25 भी दो बार आया है, तो ये हमने नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। ठीक है, अब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, देखो 20 जो है 1, 2, 3 चार बार आया, 25 दो ही बार आया, तो और बाकी तो एक ही एक बार आया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है? 20 हुआ है, यानी 20 occurs most often, 20 occurs most often, तो इसका मतलब मोड क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू 20, कितना सिंपल था। अब हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मीडियन मींस जो सबसे बीच वाला नंबर हो, मिडल मोस्ट नंबर हो, तो दोनों तरफ से एक एक नंबर माइनस करते जाओ, हटाते जाओ। ठीक है, यहाँ से एक हटाया, यहाँ से एक हटाया, फिर यहाँ से एक हटाया, फिर यहाँ से एक एक, फिर यहाँ से एक एक, फिर यहाँ से एक एक, ऐसे करते 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 जो बीच में नंबर आया वो कितना आया? 20 आया, तो मीडियन कितना हो गया? 20। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी नंबर्स, अगर हमें डाटा नंबर जो है, जितना भी डाटा दिया है वो अगर हमारा ऑड नंबर में है तब ये फॉर्मूला होता है, अगर इवन नंबर में है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑड नंबर्स में है, अगर हमारा ऑड डाटा है, डाटा का नंबर ऑड है, ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 स्टूडेंट हैं, यानी 15 नंबर्स हैं, तो 15 क्या है? ऑड नंबर है, 15 क्या है? ऑड नंबर है, तब अगर ये ऑड नंबर है तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? हम n लिख लेंगे, जितने भी नंबर हमें दिए हैं उसको n मान लेंगे। ठीक है, और फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे, उसमें लिखा होता है मीडियन
इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन में टू और फिर टी एच, टी एच का मतलब उतने वह नंबर, ठीक है, यानी एन कितना है 15 है, एन कितना है 15 प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, 15 प्लस वन 16 डिवाइडेड बाय टू, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो 8th क्या आ गया, 8th यानी आठवां नंबर, क्या आ गया आठवां नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां नंबर कौन सा है 20 है, तो ये 20 ऐसे भी हम निकाल सकते हैं और इस तरह से दोनों तरफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर ये तरीका नहीं आता है तो इस तरीके से निकाल लो, ठीक है, तो इस तरह से मीडियन पता चल जाएगा, मीडियन आ गया 20, ऐसे निकालने से भी 20 आ गया और 8th नंबर हम यहाँ पर से देखेंगे तो भी हमारा 20 आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या मोड और मीडियन दोनों के नंबर सेम आए हैं, तो यस दे आर सेम, 20-20 आया दोनों में नंबर, तो यस दे आर सेम, ठीक है, दे आर मतलब कौन, दे नंबर ऑफ मोड एंड नंबर ऑफ मीडियन आर सेम, ठीक है, तो हम इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, यस नंबर ऑफ मोड एंड नंबर ऑफ मीडियन आर सेम, एक ही बात है, दे आर सेम लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, अब क्वेश्चन नंबर टू में दिया है द रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट मैच, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है, 11 प्लेयर्स खेलते हैं, सबको मालूम है क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 प्लेयर्स जो थे उन्होंने अलग अलग रन बनाए, सब लोग एक ही जितने रन तो बनाते नहीं है ना, एक प्लेयर ने 6 रन बनाए, एक ने 15, एक ने 120, एक 50, ऐसे अलग अलग रन बनाए, ठीक है, अब इनका हमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, तीनों चीज़ें निकालनी है, मीन निकालना मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में सिखाया था, है ना, अभी हम उसको निकाल के देखेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या था याद है आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने नंबर है ये, ठीक है, तो टोटल 11 नंबर्स हैं और सम मतलब जो भी नंबर दिए उनको सम कर दो यानी प्लस कर दो, ये सारे नंबर हमने ऐड ऑन कर दिए, ठीक है, सबको ऐड करके हमारा आया 429 और 11 से डिवाइड करना है क्योंकि नीचे 11 है, 11 प्लेयर्स थे तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, तो मीन कितना आ गया 39। अब मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए फॉर्मूला आपको बताया, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो एन की जगह क्या है 11, 11 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, 11 प्लस वन कितना होता है 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 6, तो 6th नंबर, तो जो हमने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में उसमें 6th नंबर पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर कितना आया 15, और इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लास्ट के दो लास्ट के नंबर पे उंगली रखो, फिर आगे वाले पे, फिर आगे वाले पे, फिर आगे वाले पे और आगे वाले पे, क्या आया 15, इस तरह से भी 15 आ गया, तो मीडियन कितना आ गया, 6th नंबर क्या है हमारा 15, तो मीडियन आ गया 15। अब मोड, मोड कैसे देखना है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 10 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, 15 3 बार, और कोई नंबर, बाकी सब नंबर एक एक बार हो रहे हैं, तो 15 3 बार हो रहा है यानी 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी 15 ऑकर्स मोस्ट ऑफन, तो मोड हो गया हमारा 15, तो इस तरह से मोड आ गया 15, मीन आ गया 39 और मीडियन आ गया 15, क्या तीनों नंबर सेम आए हमारे, मीन का आंसर और मोड का और मीडियन का आंसर सब सेम आए, तो नो, तो नो ऑल थ्री आर नॉट सेम, क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये तीनों सेम आए हैं, तो हम लिखेंगे नो देयर थ्री आर, ऑल थ्री आर नॉट सेम, ओके।
क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इस तरह से कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्या है ये नंबर? 15 स्टूडेंट के वेट हैं, ठीक है। 15 स्टूडेंट हैं, 1, 2, 3 ऐसे गिनोगे तो 15 है। तो 15 स्टूडेंट के वेट दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इसको अरेंज कर लिया, सबसे छोटा नंबर फिर बड़ा 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 करते करते हमने इसको अरेंज कर लिया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। तो मोड निकालना आपको बता ही रखा है, मोड मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। 32 एक ही बार है, 35 एक ही बार है, 36 एक ही बार है, 37 एक ही बार है, 38 कितनी बार है, 3 बार है, और 40 एक बार है, 42 43 3 बार है, ठीक है, और बाकी सब एक एक बार है। तो इसका मतलब ये भी 3 बार है और ये भी 3 बार है, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मोड इसीलिए 38 भी माना जाएगा और 43 भी माना जाएगा, यानी दो मोड आ गए इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों 3-3 बार अकर कर रहे हैं, यानी आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर में भी हमें ऐसे डाटा दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए, 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14, ठीक है, इस तरह से नंबर दिए हुए। सबसे पहला स्टेप क्या है, अरेंज करना इनको असेंडिंग ऑर्डर में। हमने इनको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब मोड निकालने के लिए तुम्हें अच्छे से मालूम है अब क्या करना है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। 12 2 बार रिपीट हो रहा है, 13 2 बार, और 14 3 बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है, 14, यानी मोड इज़ 14, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए हमने फॉर्मूला दिया है, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एन कितना है, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर्स हैं इसलिए 9 लिखा है। 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस 1 10 होता है, और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो फिफ्थ नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ नंबर हमने हमने सर्कल कर लिया, वो क्या है, मीडियन है, ठीक है। और इसको इस तरह से दोनों तरफ से भी चल के तुम देख सकते हो, बीच का नंबर 14 ही आएगा। तो मिडल मोस्ट नंबर क्या होता है, मीडियन होता है, यानी कि 14 आ गया, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स है फिफ्थ क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है, द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा। मोड जो होता है डाटा का ही एक नंबर होता है। अब देखो ये डाटा है ना, इसमें से हमने एक नंबर को ढूंढ लिया 14, वही मोड बन गया, यानी कि कोई ना कोई नंबर डाटा में ही प्रेजेंट होता है तो वो मोड होता है। तो यस, इसीलिए ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन डाटा। तो डाटा में हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता मीन के लिए, क्योंकि उसको तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके पॉइंट में भी नंबर आ सकता है जो कि डाटा में मौजूद ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मीन का हमारा डाटा में होना ज़रूरी नहीं है, मीन जो नंबर आएगा वो इन नंबर में शामिल होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए फॉल्स हो गया। अब है मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द डाटा नंबर। तो मीडियन को वही नंबर होता है जो कि डाटा में होता है, तो मीडियन ठीक है, क्योंकि हमें बीच का नंबर ढूंढना होता है, नंबर तो डाटा में होगा ना, तभी तो बीच का नंबर होगा वो, तो वो मीडियन है। तो मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, तो ये हो गया ट्रू, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एक डाटा दिया हुआ है ऐसे करके, 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 ऐसे कुछ डाटा दिया हुआ है, यानी नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनका मीन 9 है ऐसे बोला है, ठीक है। तो हमने करके इसको चेक करना है, यानी सम करना है, सबसे पहले सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, तो इनको सम किया तो 64 आया, 8 से डिवाइड किया तो 8 आया, तो मीन तो कितना आ गया, 8 आ गया, जबकि इन्होंने कितना बोला है, 9, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, आ गया समझ में। तो ये 3.2 तुम्हारी ओवर हो गई है, ओके। अब इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो लास्ट में, ओके, थैंक यू।